फिलहाल वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज का। सर मेरा चाचा है जो ऑटो चलाता है, उसका नाम है सुनील कुमार। वो कल शाम को आठ बजे से टेम्पो लेके गए हुए हैं। सुबह वो बच्चे छोड़ते हैं, उन्होंने बच्चे छोड़े नहीं हैं। और फिर हमने ढूंढने की कोशिश करी तो बच्चे के छोड़ने वाले किसी मिलने वाले ने कहा कि टेम्पो ऋषि घाटी के यहाँ खड़ा है। फिर हमने यहाँ आकर देखा तो उनका फ़ोन भी बज रहा था जो टूल में था, और चप्पलें रेलिंग के ऊपर पड़ी। हमें आशंका है कहीं वो कूद गए हैं नाना सागर में। नहीं ऐसा कोई विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। नहीं बता के नहीं गए, वो बच्चे छोड़ने सवारी के में चलते हैं और सुबह बच्चे छोड़ते हैं स्कूल के। घर से कब से गए वो? कल 8 बजे टेम्पो चलाने के लिए गए हुए थे, उसके बाद से घर नहीं आए और ना बच्चे छोड़े उन्होंने। गुगरा घाटी पुलिस को इतला कर दी है, गंज थाने में जाके इतला कर दी थी। गंज थाने वाले भी आ चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? गुगरा घाटी माया मंदिर के पास। जैसे पुलिस कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली कि आना सागर के यहाँ पर बाहर कोई टेम्पो रखा है और उसके चप्पल हैं, तो संभावना जताई जा रही थी कि टेम्पो चालक इसके अंदर गिर गया है। तो उसको निकालने के लिए टीम जैसे ही यहाँ पर आई, उसके बाद में 2.5-3 घंटे हो गए अभी तक केवल अंधेरे में हाथ मारा जा रहा है और अभी तक कोई श्योरिटी से ये नहीं कह पा रहा है कि अंदर कोई बॉडी है। फिर भी हमारा काम लगातार, सिविल डिफेंस है यहाँ पर, SDRF है पूरी मौजूद है और इसके साथ ही प्रशासन और यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी लेता जा रहा है। एक कंफर्म न्यूज़ नहीं होने के कारण से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वरना अभी तक ये रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका हो, ये रिकवरी कंप्लीट हो चुकी होती। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।